जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो बर्लिन ब्रैंडनबर्ग एयरपोर्ट से FEX ट्रेन लेने के बाद अपने हॉस्टल पहुंच चुका हूँ। ये पीछे आपको बैकग्राउंड में ग्रैंड हॉस्टल नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर इंग्लिश ज़रा लोग कम बोलते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हुई, लेकिन बस मैप मौजूद है तो आप सब चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा हॉस्टल है, चीपेस्ट मुझे पड़ा तकरीबन 25 यूरो पर नाइट के ऊपर। और ये जो है वो ट्रेन स्टेशन है, यहाँ पर मॉकनब्रक वहाँ से करीब पड़ता है बिल्कुल, यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस पर पड़ता है आपको बिल्कुल, यानी कि हॉस्टल के बिल्कुल बैक पर जो है इस एरिया में मॉकनब्रक स्टेशन है, तो आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो अब लग रही है भूख, किसी यहाँ के डोनर कबाब बहुत मशहूर हैं, तो इंशाल्लाह अब डोनर कबाब की तरफ जाते हैं, ढूंढते हैं और फिर इंशाल्लाह आपको अपडेट देते हैं। जी जनाब, आप हॉस्टल के करीब ही एक डोनर शॉप मिल गई थी, वहाँ से हमने शवारमा ऑर्डर किया है नान मिल्क के साथ, और ज़बरदस्त भूख लग रही है। देखते हैं कैसा टेस्ट होता है यहाँ का, खाने के बाद आपको जॉइन करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये जो एंट्रेंस है ये नाश्ते के लिए है, बराबर में जो ये वाली बिल्डिंग है ये हॉस्टल है। नाश्ता जो है वो अच्छा था, तमाम चीज़ें मौजूद थी तकरीबन, ऑल यू कैन ईट टाइप का नाश्ता होता है, बुफे टाइप का, और ये 9 यूरो चार्ज करते हैं नाश्ते के लिए। सुबह 8 से 11 बजे तक के नाश्ते की सर्विस होती है, 11 बजे नाश्ता बंद हो जाता है।
गाइस ये जो है वो मौलाना मस्जिद है यहाँ पर बर्लिन में, और यहाँ पर वो आपको स्टेशन नज़र आ रहा होगा, स्टेशन से बिल्कुल करीब ही मस्जिद है। और ये इस पूरे एरिया के अंदर जो है वो तुर्किश अरब कम्युनिटी ज़्यादा है, मुसलमानों की कम्युनिटी है। यहाँ पर आपको अगर नमाज़ वगैरह की आदत हो तो आप यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हो।